ये इशारा किया जा रहा है कैमरा पर्सन की तरफ से कि अनाउंसमेंट भी हो रहा है। दूसरी तरफ आप प्रशासन की भी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा, ये गाड़ी एक बार आप सुनिए, प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट भी चल रहा है कि लोग यहां से चले, ये देखिए यहां से लोगों को अब कहा जा रहा है कि यहां से अब निकल जाएं क्योंकि भीड़ भाड़ ना लगाएं, मूवमेंट भी होगी, वीवीआईपी आएंगे, कुछ ही घंटे अब रह गए हैं आगे की तरफ अगर चलें। देखिए भीड़ को अब थोड़ा सा हटाया इसलिए जा रहा है क्योंकि अब रात के लगभग 1 बजने वाले हैं और ऐसे में लगातार अनाउंसमेंट अब की जा रही है, काफी देर से अनाउंसमेंट भी की जा रही थी, उसके बावजूद देखिए लोग यहां पर यहां से जाने का नाम नहीं ले रहे। ये देखिए तो आप सभी से निवेदन है मेरा, सभी अपने घर चले जाएं। हाँ तो लगातार देखिए अनाउंसमेंट पुलिस की तरफ से भी की जा रही है कि जो लोग यहां पर सड़कों पर हैं वो घर निकल जाएं। पीएसी वाले सभी इनको दबाए निकालिए, भेजिए सबको, हटाएं यहां से। अब देखिए अब मैं दूसरी तरफ भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि अनाउंसमेंट तो चल रही है लेकिन उसके बावजूद लोग जाने का नाम नहीं ले। एक बार धनपत की तस्वीरें दिखाएं, कैमरा पर्सन कमल देव एक बार धनपत की तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए जब प्रधानमंत्री का भी पिछली बार जब प्रधानमंत्री आए थे एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया था, इसके अलावा अयोध्या धाम जो रेलवे स्टेशन है उसकी शुरुआत की थी, उद्घाटन किया था, तो इन्हीं सड़कों से प्रधानमंत्री का काफिला यहां से सीधा एयरपोर्ट से सीधे निकलते हुए हाईवे से आगे बढ़ते हुए इसी धर्मपथ से आगे बढ़ा था। इसके बाद लता मंगेशकर चौक पर प्रधानमंत्री आए थे और यहां पर प्रधानमंत्री थोड़ी देर के लिए रुके थे और यहीं पर योगी आदित्यनाथ की एक सेल्फी वाली तस्वीर काफी वायरल भी हुई थी क्योंकि इस जगह पर ज्यादातर जब भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है, चाहे योगी आदित्यनाथ हो सीएम या उसके अलावा खुद प्रधानमंत्री हो, तो इस जगह पर जरूर आते हैं, इस तरीके से वो पिछली बार भी देखा था। ये देखिए अब पुलिस यहां से इनको कह रही है, सबको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि यहां से अब चले जाइए क्योंकि लगातार अब सिक्योरिटी की व्यवस्था ज्यादा चाक चौबंद की जाएगी क्योंकि जो भी लोग बाहर से आए हैं कम से कम उनको अब यहां से हटाया जा रहा है। उसकी वजह है कि बड़ी संख्या में वीवीआईपी मूवमेंट होने वाली है, अब कुछ ही घंटे रह गए हैं समारोह को लेकर, इसलिए अब धीरे धीरे करके लोगों को हटाया जा रहा है। और खूबसूरती भी एक बार दिखाते हुए चलें, खूबसूरती ये देखिए बैरिकेडिंग भी की जा रही है और खूबसूरती भी देखिए, ये है सूर्य स्तंभ, ये तस्वीरें देखिए बिल्कुल चमकती हुई अयोध्या की सड़कें। और इससे पहले जो मैं जिक्र कर रहा था तो इसी रास्ते से ही प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो पिछली बार भी आया है और इस बार भी उम्मीद है कि इन्हीं सड़कों से तमाम जो वीवीआईपी की मूवमेंट होगी, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो, बॉलीवुड के सितारे हो, इन रास्तों से वो काफिला, उन रास्तों से वो गाड़ियां गुजरेंगी और आगे राम मंदिर यहां से जस्ट राइट साइड में है, कुछ ही कदमों की दूरी पर हनुमानगढ़ी है, कुछ ही कदमों की दूरी पर राम मंदिर है और प्राण प्रतिष्ठा आज के दिन, क्योंकि अब कल नहीं बोल सकते, आज ही के दिन होनी है रात के लगभग 1। अभी ये देखिए अभी भी ये तस्वीरें आपको अभी भी दिख रही है अयोध्या की सड़कों पर। अब इनको रोका भी जा रहा है पुलिस की तरफ से, हालांकि किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है लेकिन फिर भी लोगों से अपील की जा रही है कि आप यहां से चले जाइए क्योंकि सड़कों को खाली कराया जाएगा और बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो जिनको प्रतिबंधित किया जाएगा जहां पर आप नहीं जा सकते। छोटा सा बच्चा भी साथ में आया है, कितने साल के बच्चा? 7 साल के। जी सर। आप कहां से? अयोध्या से। अयोध्या से ही है सर। अच्छा, तो ठंड तो बहुत है, रात के 1 बजने वाला है। ठंड नहीं पता चल रहा है, राम लहर है। शीतलहर नहीं, राम लहर है, ठंड होने पता चल रहा है। शीतलहर का कोई असर नहीं, कोई असर नहीं है एकदम। आप बताएं। जय श्री राम। इसी खुशी में गाना गाना चाहते हैं। गाइए। सजा दो घर की गुलशन से, अरे श्री राम आए हैं, सजा दो घर।
श्री राम श्री राम। अब ये देखिए, यहाँ पर एक बार दिखाएं, यहाँ देखिए ये बैरिकेडिंग भी की गई है और बैरिकेडिंग के अलावा रस्सियां लगाकर उसको ब्लॉक कर दिया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है। अब सड़कों को पूरी तरीके से ब्लॉक किया जा रहा है और उसकी वजह यह है कि अब ये पूरी की पूरी जो सड़कें हैं इनको खाली करा दिया जाएगा, और जिससे कि एक बार जो सिक्योरिटी की जाँच अच्छी तरीके से हो जाए, सुनिश्चित किया जाएगा कि सिक्योरिटी पूरी तरीके से जांच कर ली गई है, पुख्ता कर ली गई है, क्योंकि जो वीवीआईपी मूवमेंट होगा उसको लेकर भी प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसी की वजह से यहां पर पूरी तरीके से अब इसको ब्लॉक किया जा रहा है, लोगों को हटाया जा रहा है। एक बार मैं अब थोड़ी सी तस्वीर रामपथ की भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ से थोड़ी सी दूर पर रामपथ है और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये देखिए ये है रामपथ और यहाँ से चंद कदमों की ही दूरी पर वो मंदिर है, हनुमानगढ़ी और मंदिर। ये देखिए यहां पर किस तरीके से ये सजावट हुई है और यहां पर भी पुलिस जो देख रही है, ज्यादातर ये गाड़ियां जो अंदर की तरफ जा रही हैं ये प्रशासन की हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं, और किसी न किसी डिप्लॉयमेंट में ये गाड़ियों को लगाया गया है, इसकी वजह से ये अंदर जा रही हैं। ज्यादातर ये गाड़ियां वीवीआईपी हैं, बहुत अभी आधी रात के बाद भी मूवमेंट हो रहा है, वीवीआईपी लगातार अब अंदर की तरफ जा रहे हैं, जहां पर भी उनको ठहरने के लिए रुकने के लिए व्यवस्था की गई है वहीं पर जा रहे हैं, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और यही वजह है कि अब लगातार यहां पर मूवमेंट भी शुरू हो गई है। और क्योंकि आज सुबह, अब तो रात के 1 बज गए हैं, आज सुबह ये कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आएंगे और उसके बाद एक एक करके तमाम जो वो कार्यक्रम हैं वो सुनिश्चित किए जाएंगे, वो किए जाएंगे। तो सर एक सेकंड आइए कमल देव सर, ये बताइए कि अब करीब करीब अब खाली करा दिया जाएगा पूरी सड़कों को? जी हो गया है, लगभग खाली हो गया। अच्छा जी, तो किस तरीके से सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जा रहा है? सिक्योरिटी अपने चुस्त दुरुस्त ड्यूटियों पर एकदम मौजूद है और ड्यूटी कर रही है। अच्छा, अब लगभग खाली करा दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए पूरी की पूरी अयोध्या की सड़कें, और यहाँ पर पुलिस भी कह रही है कि अब सबको यहाँ से हटा दिया जाएगा, लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। उसके बावजूद कुछ लोग अभी भी सड़कों पर मौजूद हैं और अभी भी वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहाँ से हैं आप? बिजनौर, यूपी 20। कहाँ से? यूपी 20, बिजनौर। अच्छा, बिजनौर से। हाँ जी। तो अब कहाँ जा रहे हैं? अभी अयोध्या घूमने आए हैं जी। घूमने आए? हाँ जी। तो यहाँ पे कहाँ ठहरे हैं? घूम लिया है पास में। अच्छा, तो कैसा लग रहा है अभी घूम के यहाँ पे? बहुत बढ़िया जी, जिंदगी में आज तक ऐसा नहीं लगा जैसा अब लग रहा। हाँ बिल्कुल अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो ठीक है, यहाँ पर देखें एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा और किस तरीके से अब लोगों को हटाया जा रहा है। यहाँ से बोला जा रहा है कि आप यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट अब लगातार हो रही है और आधी रात के बाद भी लोग आना शुरू हो गए हैं। कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, जो काफ़ी पहले ही आ चुके हैं अयोध्या में, लेकिन अब देखे अब ये चौराहा लगभग खाली कर दिया गया है। ये देखे ये वीड़ा चौक है, अब बहुत ही कम आपको यहाँ पर अयोध्या की सड़कों पर, इस जगह पर सेंटर जो पॉइंट है चौराहा है, यहाँ पर अब आपको बहुत ही कम लोग नज़र आ रहे हैं। करीब करीब अब इन लोगों को हटाया जा रहा है और उसकी वजह है वीवीआईपी मूवमेंट और वीवीआईपी की सुरक्षा। कहाँ से मैडम आप? मैडम मैं यहीं की हूँ। यहीं से? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ। तो आज सोने का मन नहीं है? नहीं नहीं, पूरी रात जागेंगे। हाँ। अच्छा ठीक है। ये, हाँ क्या कह रहे हैं? आगे आइए। हाँ क्या? आगे से ये दिन आया है सर, राम मंदिर बनने वाले का है कल। हाँ अभी अयोध्या से ही? जी सर अयोध्या से ही है। घर जाने का मन ही नहीं कर रहा हम लोग का। हाँ। हम लोग रात भर यहाँ घूमेंगे आज। अच्छा, लेकिन पुलिस प्रशासन अनुरोध कर रहा है कि आप लोग अपने घर जाइए। अनुरोध ही तो कर रही है पुलिस प्रशासन, उसी का नहीं लेकिन अनुरोध वही सर घूमने वाले जी सर, क्योंकि उनके ऊपर भी तो जिम्मेदारी है। जी जरूर सर। तो आप देखिए बाबा, कहाँ से आप? अभी अयोध्या से? हाँ अब निकल रहे हैं घर। हाँ अच्छा, आप बताएं
जी हाँ, मैं भी अयोध्या से हूँ। काफी अच्छा लगा है, इंजॉय कर रहे हैं काफी अच्छा। कहाँ से? हनुमानगढ़ी से ही है। अच्छा, हनुमानगढ़ी से। हम लोग का उधर दुकान है, हम लोग यहाँ बस आए थे घूमने थोड़ा सा। आप भैया? सर हम है रेवाड़ी हरियाणा से। हाँ। स्पेशल आए हैं अयोध्या में घूमने के लिए। अच्छा। और सोचा था राम मंदिर के लिए, बहुत 100 किलोमीटर लखनऊ उतार दिया गया था, फिर भी हम बस में धीरे धीरे, कभी रिक्शा कभी कुछ कर करके आए यहाँ पर, और बस आप पहुँच गए हम आज। अच्छा। और इसलिए हम कल उद्घाटन देखना चाह रहे थे, कल वो देखना चाह रहे थे, जन्मोत्सव। अच्छा।